नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ देव शंकर। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जिसे देखकर ये सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार भ्रष्टाचार की जड़ें कहां हैं। खबर नोएडा से, जहां पर नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो अपने जुगाड़ सिस्टम से भारतीय सेना में लोगों को भर्ती कराता था, अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट और मेडिकल में सहायता प्रदान करता है। पुलिस की माने तो यह पूरा कारोबार एक रिटायर्ड हवलदार कुछ अधिकारियों की मिली भगत से चलाता था। इन पुलिस की माने तो करीबन अभी तक 50 अभ्यर्थियों को ये लोग सेना में भर्ती करा चुके हैं और हर अभ्यर्थी से करीबन 5 से 7 लाख रुपए भी वसूल चुके हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राजन चौधरी की इस विशेष रिपोर्ट। पुलिस के गिरफ्त में खड़े ये अभियुक्त बड़े ही सातिर किस्म के फ्रॉड करने वाले सातिर ठग हैं। बुलंदशहर के रहने वाले एक आरोपी जो कि कोचिंग चलाता था, दर्जनों लोगों को आर्मी में भर्ती कराने का ठेका लिया था और अभ्यर्थियों से करीब 7 से 10 लाख रुपए भर्ती करवाने के लेते था। इस गिरोह का भंडाफोड़ होने पर जांच की आस से कहीं न कहीं सेना के अधिकारियों पर भी असर हो सकता है। आपको बता दें, दरअसल गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने जब से होमगार्ड वेतन घोटाले का पर्दाफाश किया है, उसके बाद पूरे प्रदेश में यह घोटाला चर्चा का विषय बना हुआ है। होमगार्ड वेतन घोटाले के बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने भारतीय सेना में नौकरी लगवाने का ठेका लेने वालों पर शिकंजा कसा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचकर उनसे संपर्क किया। पुलिस द्वारा बिछाए जाल में आरोपी फंस गए, जिसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह में शामिल एक आरोपी जिम्मा था, वह गिरोह के अभ्यर्थी को ढूंढ कर लाएगा। इसके लिए उसको अभ्यर्थी से मिलने वाली रकम का कुछ हिस्सा भी दिया जाता था। खास बात यह है कि मुख्य आरोपी गिरोह को संचालित करने के साथ ही कोचिंग सेंटर भी चलाता था। पुलिस ने बताया कि ये आर्मी से रिटायर्ड हवलदार के संपर्क में थे जो अपने साथियों के साथ मिलकर घोटालेबाजी कर रहा था, जिसकी पुलिस आगे की जांच कर रही है। होटल में होते हैं, उन लोगों से बात करवा के आगे करवा देता था। ये जनपद बुलंदशहर में थाना गोता क्षेत्र के गाँव का रहने वाला है जो मेन अभियुक्त है, और एक इसका सगा भाई इसमें पकड़ा गया है। एक और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है जिनके द्वारा फर्जी जो डोमिसाइल हैं, फर्जी मेडिकल हैं, इनके बेसिस पे आर्मी में रिक्रूटमेंट विभिन्न जगहों से करवाए गए हैं। और इनमें से एक जो मुख्य अभियुक्त है वो कोचिंग चलाता था जनपद बुलंदशहर में, ये वहीं का रहने वाला भी है। और जो डोमिसाइल्स हैं दूसरे जगह के बनवा के, जिस जनपद में रहते हैं उस जनपद से अलग भिन्न डोमिसाइल्स बनवा के विभिन्न आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स में ये भर्ती कराता था। और कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, हम लोग संबंधित जो आर्मी के ऑफिस हैं उनसे शेयर भी कर रहे हैं और डिटेल इसमें अभी और इंट्रोगेशन जो है वो की जाएगी। सर कितनी भर्ती करा चुके हैं अब तक लगभग? ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोगों का अनुमान है काफ़ी भर्ती इन्होंने करा, क्योंकि हम लोग आर्मी के जो संबंधित ऑफिसर हैं उनसे टेकअप कर रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स, जिन लोगों को भर्ती इन लोगों ने फर्जी अभिलेखों के बेसिस पे कराया है, उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स की हम लोग जानकारी करेंगे और आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन। कितने पैसे लेते थे सर एक अभ्यर्थी से? ये 7 से 10 लाख रुपए की बात प्रकाश में आई है कि वो लेके भर्ती कराते हैं। सेना से भी जुड़े लोग हैं सर, कुछ नाम है? कुछ हवलदार हैं जो सर्विंग है आर्मी में, उनके नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें जो एक अभियुक्त है ये सेना से ही रिटायर्ड है हवलदार, 2016 में रिटायर हुआ था। तो इसके साथ ही कुछ वहाँ पे तैनात हैं अलग अलग ऑफिसेज में, जिनसे ये फेवर लेता था और फिर इनके फर्जी अभिलेखों के बेसिस पे भर्ती करा था। किस चीज में लाभ देते थे? मेडिकल में लाभ देते थे, मेडिकल में लाभ देते थे, फिजिकल में लाभ देते थे और डोमिसाइल बनाने में, अभिलेख बनाने में इनमें लाभ दिया। सर किस तरह से संपर्क में आते थे उन लोगों के जिनको नौकरी पर लगवाता था, उनके संपर्क में किस तरह से होता? ये कोचिंग, जैसा मैंने पहले बताया, कोचिंग ये एक लोग चलाते थे और वहीं से जो स्टूडेंट्स संबंध में इनके आते थे उन्हीं के थ्रू और स्टूडेंट्स के साथ संपर्क स्थापित करके फिर इस तरीके का करते। सर फिजिकल, फिजिकल में हाइट कम होने के बावजूद भी किस प्रकार से भर्ती कराते थे? पुलिस वेरिफिकेशन होता है, इनकी रिपोर्ट भी जाती है आर्मी में, हम ज्वाइन करने जा रहा होता है तो इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। सही का फेक डॉक्यूमेंट तैयार करते थे? हाँ, फेक डोमिसाइल्स तैयार करवाते हैं ये बात प्रकाश में, अभी तो डोमिसाइल ही प्रकाश में आया है और बाकी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा जब हम लोग आर्मी के ऑफिसर्स से इसे टेकअप करेंगे। जो लोग इन्होंने भर्ती होना बताया है उनके डॉक्यूमेंट्स निकलवाएंगे और देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फर्जी लगाए। सर इनके साथी कौन? गिरफ्तारी नहीं हुई है जो सेना के हैं, लेकिन टेक्निकल रीजन है ना कि पहले आर्मी अपनी जांच करके
ये लोग अभी इनके इन लोगों ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनकी कॉल रिकॉर्ड्स में जो आए हैं और जो तथ्यों के बेसिस पे आए हैं उन लोगों के नाम है और बाकी इस संबंध में कुछ नहीं की जा रही है। सर क्या कोई आर्मी का ऑफिशियल भी इसमें इन्वॉल्व? अभी किसी ऑफिसर का नाम नहीं आया है। जो हवलदार लेवल का जो टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, नोएडा।